अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ एसएनजे आज आपके लिए भुना गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें काफ़ी ग्रेवी सी होती है लेकिन ये टोटली भुना हुआ होता है। इसमें ग्रेवी का मतलब ये गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट सा मौजूद होता है, बहुत ही मज़े का होता है। भुना गोश्त कई तरीके का होता है, आज मैं आप एक स्टाइल लेके आई हूँ, इंशाल्लाह फिर अगला उसमें भी लेके आऊँगी दूसरे स्टाइल भी। ये 1 किलो गोश्त है हमारे पास, 2 बड़ी प्याज मैंने ली हैं, बड़े साइज़ की अच्छी बड़ी बड़ी प्याज थी, 3 टमाटर हैं, ये भी बड़े साइज़ के टमाटर थे। इसके अलावा धनिया मैंने लिया है 1 टीस्पून साबुत धनिया, ये बादियान का फूल है जो मतलब पूरा नहीं है, हाफ। ये दालचीनी है, अगर आपके पास एक बड़ी हो तो आप बड़ी लेने, मेरे पास छोटी छोटी 3 थी। 1 बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायचियाँ हैं, 6 लौंगे हैं, इसी तरह ये साबुत लाल मिर्च है, ये आप देख सकते हैं 5 हैं, और ये 1 टीस्पून ज़ीरा है। अब पिसे मसालों की तरफ, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च है पिसी हुई 1/2 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, धनिया है 1 टीस्पून, साबुत ये कुटी हुई लाल मिर्च है और ये 1 टीस्पून है, और गरम मसाला भी 1 टीस्पून है। लाल मिर्च मैंने अभी कम रखी है, फिर बाद में मैं चककर दोनों चीज़ें, नमक और लाल मिर्च दोनों उसमें बढ़ा लूँगी अगर मुझे ज़रूरत हुई तो। इसके अलावा तेल है ये 3/4 कप, हरा धनिया और हरी मिर्च हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अब हम कुकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तेल शामिल करेंगे, तमाम तेल इसमें चला जाएगा। मैं कुकर में पका रही हूँ, मेरे कुकिंग टाइम अराउंड 1/2 आवर में पक जाएगा, लेकिन अगर आप लोग प्लेन उसमें पका रहे हों पैन में तो बेशक आप गोश्त गलने तक के 50 मिनट मटन जो है वो गलने में लेगा। ये ऑयल मैंने सबसे पहले डाला और ये सारे साबुत मसाले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब ये थोड़ा सा जब ये इसमें कुकिंग शुरू होगी तो मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। तेल में सब चीज़ें पकने लगी हैं, अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ, और प्याज में नरम होने तक, इसे मुझे ब्राउन नहीं करना, सिर्फ नरम करना है, मैं इसको नरम करने तक पकाऊंगी। ये देखिए प्याज हमारी नरम पड़ गई है। अब हम इसमें, सॉरी मैं इंग्रेडिएंट्स जैसे बताई थी, लहसुन अदरक पकाना भूल गई थी। ये देखिए ये 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का इसमें शामिल किया, और एक तकरीबन इतना भरा हुआ नहीं है लेकिन ये भी अच्छा खासा है, तो तकरीबन 2 चाय के चम्मच हमने लहसुन अदरक भर भर के डाले हैं। अब मैं इसके साथ इसको थोड़ा सा भून लूँगी। तो भूनने के बाद मैंने इसमें अब गोश्त शामिल किया है और मैं इसको कलर चेंज होने तक पकाऊंगी। अब मैं इसमें ये टमाटर और ये इससे सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा चम्मच चला के अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी और इसको फिर पकने के लिए छोड़ूंगी। अगर आपका पैन है तो आप ढक्कन लगा के रख दें और उसे तकरीबन 50 मिनट गोश्त गलने में लगते हैं, नहीं तो आप कुकर है तो जाहिर सी बात है उसे आप 10-12 सीटियाँ दें, मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं, और उसके बाद कुकर बंद करके ठंडा करके खोलें, फिर मैं आपको दिखाऊँ। ये लीजिए नाज़रीन, गोश्त हमारा भुन रहा है, ऑयल बाहर आने का मतलब ये होता है कि आपके गोश्त में जितना पानी था वो ख़त्म हो चुका है। अब आप देख सकते हैं ये सिर्फ भुना भुना सा नहीं है, ये उनके लिए आइडियल है जिन्हें मसाला चाहिए होता है, वरना भुना गोश्त का जब जहन में आता है तो आपके यही आता है कि बोटियां बोटियां होंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब मैं इसको भून रही हूँ। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी।
है।